ठीक है जी, आप सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, वेलकम है जिया यानू। कल चंडीगढ़ की जनता ने एक क्लियर मैंडेट के साथ ईमानदार, साफ, नेक पार्टी आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया और पिछले 25 सालों से चल रही भाजपा और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों और भ्रष्ट सियासत को खत्म कर एक साफ राजनीति की शुरुआत, काम की राजनीति की शुरुआत चंडीगढ़ में करी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को जिताया। जब से नतीजे आए हैं तब से बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए बीजेपी के लोगों ने सरेआम खरीद फिरोत शुरू कर दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हमारे जो काउंसलर जीते हैं इलेक्शंस, कल के नतीजों में हमारे जो 14 काउंसलर जीते हैं उनसे संपर्क करके, उनके घर जाकर, उन्हें फोन कर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्हें कहा जा रहा है कि आप रकम बताइए, जो रकम आपको चाहिए वो रकम हम आपको देंगे, उतना पैसा देंगे। लेकिन आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए। हमारे तीन सिटिंग काउंसलर्स को कल लाखों रुपए के ऑफर्स दिए गए, दो को 50 लाख रुपए का और एक को 75 लाख रुपए का ऑफर बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के सीनियर लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, कल शाम को दिया गया और उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। पहले तो मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग इस मिट्टी के नहीं बने जो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे डराने धमकाने से डर जाएं। और दूसरी चीज, एहतियात बरतते हुए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आम आदमी पार्टी अपने सारे सिटिंग काउंसलर्स के घरों में सीक्रेट कैमरे लगवा रही है और साथ ही साथ सारे काउंसलर्स को ये हिदायत दे दी गई है कि आप सब अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दें। अगर कोई भी बीजेपी आदमी, कोई भी बीजेपी का नेता अगर हमारे सिटिंग काउंसलर के घर जाने की कोशिश करता है, उनसे मिलने की कोशिश करता है, तो वो हमारे सीक्रेट कैमरे जो काउंसलर्स के घर के बाहर हम लगाने जा रहे हैं उसमें कैद हो जाएगा। और अगर कोई बीजेपी का नेता हमारे काउंसलर्स को फोन करके ऑफर देने की कोशिश करता है, उन्हें खरीदने की कोशिश करता है, तो उनकी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाएगी और आम आदमी पार्टी ये वीडियो फुटेज भी और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक करेगी, आप सबके सामने रख देगी, ताकि आप, चंडीगढ़ की जनता, पंजाब की जनता ये देख सके कि कैसे बीजेपी ने अपना खरीद फिरोत का गंदा खेल ऑपरेशन कमल चंडीगढ़ में भी शुरू कर दिया है। कल चंडीगढ़ के लोगों ने बीजेपी की भ्रष्ट सियासत को खत्म करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया, जिसमें बीजेपी का सिटिंग मेयर हारा, जिसमें बीजेपी का सिटिंग डेप्टी मेयर हारा, जिसमें बीजेपी के दो साबका मेयर, फॉर्मर मेयर हारे, जिसमें बीजेपी के यूथ विंग का अध्यक्ष हारा, जिसमें बीजेपी की महिला विंग प्रधान हारी। इन सारे नेताओं को हराकर चंडीगढ़ के लोगों ने एक मैसेज दिया, आवाम ने एक मैसेज दिया कि हमें यह भ्रष्ट सियासत नहीं चाहिए।
हमें केजरीवाल की ईमानदार सियासत चाहिए, ईमानदारी से चंडीगढ़ के अंदर विकास का कार्य चाहिए और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। अगर अब चोर दरवाजे से बीजेपी खरीद फिरोत करने की कोशिश करेगी तो आम आदमी पार्टी इसे एक्सपोज करने के लिए इनकी ऑडियो कॉल्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये हमारे पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमारे काउंसलर्स के घरों पे जाने की कोशिश करते हैं, तो सीक्रेट कैमरे में हम इन्हें कैद भी करेंगे और वो सारी चीजें जनता के सामने रखेंगे, सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक डोमेन में वो वीडियो फुटेज और ऑडियो फुटेज हम डाल देंगे। दूसरी चीज, बीजेपी ने अपना ऑपरेशन कमल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, चुने हुए लोगों को खरीदने की कोशिशें गोवा में करी, अरुणाचल प्रदेश में करी, कर्नाटक में करी, मध्य प्रदेश में करी, हर जगह करी। लेकिन मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि ये जुर्रत कांग्रेस के लोगों के साथ तो आप कर सकते हो, आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ मत करना। ये अरविंद केजरीवाल का परिवार है, इसमें अगर आप हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश करोगे तो हम आपका असली चेहरा लोगों के सामने रखेंगे। मैंडेट को चुराने की कोशिश, मैंडेट को खरीदने की कोशिश, लोगों के द्वारा दिया गया मैंडेट जबरदस्ती अपनी तरफ करने की कोशिश बीजेपी की आम आदमी पार्टी सफल नहीं होने देगी। और हम बीजेपी के लोगों के फोन भी रिकॉर्ड करेंगे और कैमरे में भी कैद करेंगे अगर वो हमारे लोगों के पास आने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि कल हमारे लोगों को 50 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक के ऑफर्स आए हैं, और यहां तक कि खुद केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हमारे लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि हम आपको गृह मंत्री जी से मिला देते हैं, हम आपको बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिला देते हैं, आप हमारी तरफ आएं, हम आपको अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, रकम बताएं, औदा बताएं। और मैंडेट को चोरी करने की कोशिश साफ तौर पे की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी के पंजाब इंचार्ज गजेंद्र शेखावत खुद इन्वॉल्व हैं, वो खुद भी इस पूरी कवायद को देख रहे हैं, हमारे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलाने के लिए लोगों को फोन कर रहे हैं, हमारे लोगों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इस गंदी राजनीति को, इस भ्रष्ट सियासत को बंद करें। चंडीगढ़ और पंजाब के लोग ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर अब आप लोगों ने जुर्रत करी हमारे लोगों को खरीदने की, उनसे बात करने की, उन्हें ऑफर देने की, तो हम आपकी ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड करेंगे, हम आपकी मूवमेंट सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, और वो सारी चीजें हम सार्वजनिक कर मीडिया के सामने, जनता के सामने रखेंगे। इस सिलसिले में किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गजेंद्र शेखावत साहब ने भी, उनके ऑफिस से भी कुछ कुछ लोगों को फोन करे गए, बीजेपी की कुछ और सीनियर लीडरशिप है जिन्होंने हमारे लोगों को फोन किया, हमारे तीन काउंसलर्स के घर पे बीजेपी के बड़े लोग पहुंचे ऑफर लेकर। जैसा कि मैंने बताया, दो को 50 लाख का ऑफर और एक को 75 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। ये साफ खुलेआम सरेआम बीजेपी लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खरीदने की, खरीद फिरोत की कोशिश कर रही है। देखिए, हम लोग जैसे ही उन लोगों ने हमसे संपर्क किया ऑफर करने की, ऑफर देने की कोशिशें करी, हम लोग चौकन्ना हो गए। और जैसे ही चौकन्ना हुए, हम हरकत में आए और हमने ये सारे एहतियातन मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए हैं। आज दोपहर तक कैमरे भी इंस्टॉल हो जाएंगे, सबके फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है।
और अब कोई भी संपर्क करेगा हम आपको बताएंगे। देखिए इसका कोई अगर लीगल एक्शन किसी धारा में बनता है तो हम जरूर इलेक्शन कमीशन से लेकर हर उस अदालत तक जाएंगे जहां से न्याय की उम्मीद हमें है। लेकिन सबसे पहले मैं जनता की अदालत में बीजेपी को एक्सपोज करना चाहता हूं कि कैसे बीजेपी के लोग हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं नाम आज नहीं बता रहा हूं, आज मैंने आपको एक ही नेता का नाम बताया बीजेपी का जिनकी अगुवाई में जिनकी लीडरशिप में ये हो रहा है, गजेंद्र शेखावत। मैं बाकियों के नाम जैसे ही रिकॉर्डिंग आएगी हमारे पास, हमने आज से ही लगाया है रिकॉर्डिंग पे सारे फोन्स, जैसे ही रिकॉर्डिंग आएगी आपके सामने मीडिया के सामने रख दूंगा। रिकॉर्डिंग है मतलब अभी आएगी, अभी हमने रिकॉर्डिंग फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं डाले थे, अब डाले हैं, आज से डाल दिए हैं, अब डाले हैं। मैं मेरे से नाम ना पूछे हमारे काउंसलर के, मैंने आपको बता दिया कि 14 में से 3 काउंसलर्स की जानकारी हमारे तक आ चुकी है कि उन 3 को ऑफर्स गए हैं, कल रात को गए हैं, कल अंधेरा होने के बाद सूरज ढलने के बाद सूर्य अस्त के बाद उनके घरों पे हमारे उनके घरों पे बीजेपी के लोग पहुंचे और सीधा पैसे के ऊपर। आज मैं आपके सामने इतनी बात रख रहा हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग्स जैसे जैसे सामने आएंगी मैं आपके सामने रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।